दोस्तों, हिमगार्ड आर ओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो वाटर टैंक के साथ मेन लाइन पे हम जंबो फिल्टर लगाते हैं जो 20 इंच का होता है, कितने टाइप का होता है और क्या प्राइजेस हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्पन फिल्टर हम इसमें डालते हैं वो तीन तरह के आते हैं, एक थ्रेड टाइप जिसको स्पेशल धागे के साथ एक स्पेशल पैटर्न में डिज़ाइन किया जाता है। इसमें दो तरह की प्योरीफिकेशंस होती हैं, जो 5 माइक्रोन्स के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बड़े साइज़ के, वो फर्स्ट लेयर में फिल्टर आउट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, और जो ब्रीक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी इनर साइड में ट्रैप होते हैं, और अंदर से इसे एक पाइप के साथ सपोर्ट भी दी जाती है जहाँ से प्योर पानी बाहर निकलता है। इसके अलावा स्पन फिल्टर जो पॉलीप्रोपलीन स्पन फिल्टर से तैयार किया जाता है, इसका जो पोर साइज़ होता है वो होता है 5 माइक्रोन्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म होता है, और स्टैंडर्ड साइज़ इसका भी 20 इंच ही होता है, और डाया 4.5 इंच होना चाहिए। इसके अलावा बैग फिल्टर, एक बार हम आपको ये निकाल कर भी दिखाते हैं। दोस्तों, इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं इसके ट्रैप हो जाते हैं अंदरली साइड, और 2 या 3 महीने के बाद इसको आप खोल कर दोबारा साफ़ करके दोबारा इसमें लगा सकते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें, पहला और तीसरा, इसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट पे ऑलमोस्ट सेम प्रेशर रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल कलेक्ट होते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो ड्रॉप होता है, लेकिन जो स्पन फिल्टर है उसमें प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। अगर रेट की बात करें तो बैग टाइप फिल्टर है जो, ये 250 रुपीज़ का पड़ता है। जो स्पन फिल्टर है ये 450 रुपीज़ का है, और थ्रेड टाइप 800 रुपये का। दोस्तों, अगर फिटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इसका डायमीटर है वो 4.5 इंच होना चाहिए सभी का, तभी ये पूरा पूरा बाउल्स में फिट बैठेगा। जो थ्रेड टाइप है और स्पन टाइप है उसके लिए जो बाउल यूज़ होता है वो सेम ही होता है, एक ही तरह का, और अंदर से भी सेम ही होता है, लेकिन जो हम बैग फिल्टर यूज़ करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले हिस्से का कुछ अलग तरह का होता है। बाकी लोअर पार्ट दोनों का सेम ही होता है। अगर मोस्ट कॉमन जो मार्केट में यूज़ होता है वो स्पन फिल्टर या फिर बैग फिल्टर यूज़ होता है, थ्रेड टाइप बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन प्योरीफिकेशन जो बेटर है वो थ्रेड में और बैग फिल्टर में ज़्यादा बेहतर होती है, और लाइफ भी इन दोनों की ज़्यादा होती है, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक इनकी लाइफ होती है, और जो पीपी स्पन है ये 3 से 4 महीने ही निकलता है। दोस्तों, अगर और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं सब्सक्राइब करें हिमगार्ड आर ओ स्केल और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा इनकी सर्विस कब करनी है, कैसे फिट करते हैं, और क्या हम टुल्लू पंप के साथ इनको अटैच कर सकते हैं, इसके अलावा वाटर टैंक से पहले लगाएं या बाहर लगाएं, तमाम जानकारियों को हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड आर ओ स्केल और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।